हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल अमीजा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं विड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लिया हमने, तो लॉगिन करने के बाद क्या करना है हमें, माय एक्टिव बिड में आना है। माय एक्टिव बिड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेंडर शो करेगा। व्यू करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। व्यू जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएगा, रिसबमिट का भी आ रहा है, विड्रॉ का भी आ रहा है। रिसबमिट के बारे में मैंने वीडियो बना रखा हूँ। और अभी जो हम बता रहे हैं, विड्रॉ करने के लिए हमें विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। नीचे यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगने के लिए बता रहा है, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो टाइटल डालना है सबसे पहले, तो हम विड्रॉ क्यों कर रहे हैं वर्ड लिखना है। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है एक PDF में या कंपनी का लेटर पैड हो उस पर लिखना है कि हम रीजन क्या है विड्रॉ करने का, वो रीजन लिखना है। साइन करके मोहर लगाना है, वो वाली डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें इस फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल अंडर चूज करेंगे कौन सा फाइल है हमारा, सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे रेड कलर का जो लोगो बना हुआ ना, ये साइन करने का है, इस साइन पे हम क्लिक करेंगे। DSC का पिन मांगेगा, पिन डाल के हम लॉगिन करेंगे। फाइल साइनिंग सक्सेसफुल हो गया। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, माय एक्टिव बिड पे क्लिक करेंगे। ये विड्रॉ हो गया है। याद रखना, विड्रॉ बहुत लोगों को मालूम नहीं है कैसे करना है, और बहुत तो कंफर्म टू पे पे क्लिक करता है और ये सोचता है कि यहाँ से टेंडर हमारा बाहर हो जाएगा, हम दोबारा विड्रॉ करके दोबारा हम टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोबारा आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार विड्रॉ हो गया ना, विड्रॉ का मतलब ये है कि हम टेंडर से बाहर जा रहे हैं, टेंडर से आप बाहर निकल जाएंगे, दोबारा आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना।